बचपन से सिखाया जाता है कि जिंदगी में कभी घमंड मत करना और अगर जरा घमंड हो भी तो एक बार शमशान घुमाना। अच्छे अच्छे आकर यहाँ पर मिट्टी में मिल गए। लेकिन बातें भले ही पुजारियों द्वारा ज्ञान देने के समय खूब सुनने को मिलती हैं, लेकिन मोह माया ऐसी चीज है कि शमशान में बैठा आदमी भी इसे समझ नहीं पाता। दरअसल मामला है बिजनौर के नहटोर में एक शमशान का, जहां पर एक पुजारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन हत्या का आरोप जिस पर लगा वो कोई सामान्य आदमी नहीं बल्कि उसी शमशान में रहने वाला एक अन्य पुजारी ही बताया गया है। हत्या के बाद आरोपी पुजारी फरार हो गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद आरोपी पुजारी को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि नेटोर के शमशान घाट पर गांव इनामपुरा निवासी पुजारी बाबा भोलेनाथ पिछले 3 साल से रहते थे। 3 महीने पहले ही एक साधु जो कि महिला के रूप में रहता था और महारानी के नाम से जाना जाता था, वो भी शमशान घाट पर रहने लगा था। पिछले कई बार देखने में आया कि शमशान घाट पर आने वाले लोगों से जो भी आय का सामान मिलता था उसको लेकर दोनों में झगड़ा होता था और इसी वर्चस्व को लेकर उनमें विवाद चल रहा था। आज सवेरे भोले बाबा की लाश शमशान घाट पर कपड़ों से ढकी हुई मिली। सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने कपड़े को हटाकर देखा तो उनके सीने पर किसी धारदार हथियार से वार होने का निशान था और खून भी बह रहा था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने उनके रिश्तेदारों को बुला लिया है। वहीं बिजनौर पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने बताया कि आरोपी किन्नर पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 22 अक्टूबर की प्रातः नेटवर में कासमपुर लेखपाल गांव में शमशान स्थित एक कुटिया में एक भोलेनाथ नामक व्यक्ति की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। आरंभिक पूछताछ में जो जानकारियां हुई उसके आधार पर पुलिस टीमें सक्रिय की गई और मात्र 2 घंटे के अंतर्गत महारानी नामक किन्नर जो कि वहाँ पर उसी शमशान में जहाँ की ये बाबा विगत 3 माह से निवास करते थे, वहाँ वो विगत 2-3 वर्षों से निवास करता था, उसे गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ की गई तो उसने ये अवगत कराया कि वहाँ उनका आपसी कुछ वर्चस्व का विवाद था जिसके क्रम में शराब के नशे में उसके द्वारा कल ये घटना उसके माध्यम से कारित हो गई है। इस संदर्भ में अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाए। वैसे मोह माया ताकत वर्चस्व ये सभी बातें भले ही सभी लोग छोड़ने और त्यागने की बात करते रहे, लेकिन शमशान में बैठा व्यक्ति भी इसे छोड़ नहीं पाता, फिर भले ही वो साधु पुजारी या कोई और ही क्यों ना हो। बहरहाल पुजारी की हत्या के पीछे के और क्या कारण है ये भी जांच का विषय है, लेकिन इस तरीके से शमशान पर वर्चस्व को लेकर ये मामला अलग ही तरीके का देखने को मिला है। बिजनौर से संजीव शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।